हेलो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर नाइन टू ट्वेल्व ऑफ एक्सरसाइज एन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एट वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर नाइन तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डाइगनल बी डी सच डेट डी पी इक्वल टू बी क्यू फिगर ऑलरेडी गिवन है इन दिस क्वेश्चन डी पी एंड बी क्यू इक्वल दे रखे हैं जो यहाँ पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं डाएंगल बी डी पर जिससे कि डी पी इक्वल टू बी क्यू दे रखा है क्या शो करना है ये चारों पार्ट्स हमें शो करने हैं तो फर्स्टली फर्स्ट पार्ट हमें जो शो करना है ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट दिखाना है ट्राइंगल सी क्यू बी के तो ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू भी लेते हैं लेट वी टेक ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी क्यू पी सो देखते हैं इन ट्राइंगल ए पी डी एपीडी कौन सा ट्राइंगल है ये वाला इन ट्राइंगल एपीडी ये वाला ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल सी क्यू बी सी क्यू बी ये वाला ट्राइंगल है तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को कांग्रेन प्रूफ करना है कॉन्ग्रेन uh, प्रूफ करने के लिए हमें गिवन कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा तो फर्स्टली आपको पता होगा इसमें गिवन है एपीसी डी एक पेलोग्राम है पेलोग्राम है तो पेलोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ए डी इक्वल होगा किसके ए डी इक्वल है बी सी के तो फर्स्टली इसमें लिखेंगे एडी इक्वल है किसके बी सी के अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम पैरोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल और पैरल भी होती हैं पैरल है तो ए डी पैरल बी सी होगा तो इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल भी होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो एंगल ए डी पी एंगल ए डी पी इक्वल होगा एंगल सी बी क्यू के ए डी पी इक्वल है सी क्यू सी बी क्यू के सी बी क्यू के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ओके नेक्स्ट नेक्स्ट जो होगा इसमें इक्वल नेक्स्ट डीपी इक्वल है बीक्यू जो कि गिवन है ऑलरेडी डीपी इक्वल बी क्यू जो कि गिवन है तो इससे ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय हमने किस उससे क्राइटेरिया से यूज किया uh, दो साइड्स लिए और बीच वाला एंगल लिया है तो एस ए एस से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट हो गया तो सी पी सी टी से लिख देंगे इस ट्राइंगल की ए पी इक्वल हो जाएगी इस ट्राइंगल की सी क्यू के बाय सी पी सी टी तो सी पी सी टी सेकेंड पार्ट भी इक्वल प्रूफ हो जाएगा मतलब हमारा तो हम लिख देंगे कॉन्ग्रेंट करते ही ट्राइंगल्स को हम लिख देंगे कि ए पी इक्वल है सी क्यू के बाय सी पी सी टी तो थर्ड पार्ट पे आते हैं थर्ड पार्ट में हमें कौन सा ट्राइंगल लेने हैं वो देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें लेने हैं ट्राइंगल ए क्यू बी एंड सी पी टी तो ए क्यू ये देखते हैं ए क्यू बी ए क्यू बी ये वाला ट्राइंगल है एंड सी पी डी ये वाला ट्राइंगल है तो हमें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कांग्रेट प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले तो पता है ये पेरलोग्राम है पैरलोग्राम है तो, उसकी तो, इस तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी और पैरल भी होंगी अपोजिट साइड इक्वल है तो इसमें ट्राइंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी लेते हैं इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी तो ए बी इक्वल है किसके सी डी के ए बी इक्वल है सी डी के अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम ऐसे ही पैरल भी है पैरल है तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे अपोजिट साइड पैरल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे ए बी क्यू इक्वल होगा किसके ए बी क्यू इक्वल होगा बी वाला ये वाला जो एंगल है वो डी वाले के इक्वल है तो डेट मीन्स ए बी क्यू इक्वल होगा सी डी पी के सी डी पी के एंड नेक्स्ट वन इज जो आपको गिवन था ऑलरेडी ये बी क्यू इक्वल है किसके डीपी के यहाँ से लेंगे हम बी क्यू इक्वल है किसके डीपी के तो इस ट्राइंगल की बी क्यू फर्स्ट वाले ट्राइंगल की क्या बी क्यू बी क्यू इक्वल है सेकेंड वाले ट्राइंगल की डीपी के तो इससे भी हमारे तीनों पार्ट तीनों हमने तीन चीजें दिखा दी तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो हमने क्या क्या लिया दो एंगल और दो साइड्स और बीच वाला एंगल तो इस ट्राइंगल इन ट्राइंगल्स में भी यही लिया गया है कि दो साइड्स ली हैं और इनके बीच वाला एंगल तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कांग्रेट बाय एस एस दो साइड्स एंड बीच वाला एंगल ट्राएंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो थर्ड पार्ट हो गया प्रूफ एंड फोर्थ पार्ट के लिए सी पी सी टी से लिख देंगे आ, अगर हमने ट्रांगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट कर दिया है किसके ट्राइंगल सी पी डी के ट्राएंगल सी पी डी के तो हम बाय सी पी सी टी लिख सकते हैं इसकी ए क्यू बराबर हो जाएगी इसकी सी पी के बाय सी पी सी टी तो इससे हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा तो एक बार आप ओरली तो समझ ही चुके होंगे इसको तो वैसे भी देख लीजिए आप इसमें आपको एक पैरलोग्राम ए बी सी डी के वन था फिगर ऑलरेडी पीछे बनाई हुई थी पैरोलोग्राम ए बी सी डी के वन था ए बी सी डी जिसमें कि डाइगनल बी डी पर पॉइंट पी एन क्यू के वन थे यहाँ पर पी पॉइंट था यहाँ पर क्यू पॉइंट था जिसमें कि ऑलरेडी मीट करे हुए थे आ, इससे मीट कराया हुआ था और ये इससे मीट कराया हुआ था इस तरह से ये बना हुआ था कुछ फिगर तो इसको कॉन्ग्रेंट हम करके सी पी सी टी से कर चुके हैं ऑलरेडी प्रूफ फर्स्ट से सेकंड आ गया बाय सी पी सी टी एंड थर्ड को कांग्रेट करके हमने फोर्थ वाला पार्ट सी पी सी टी से एक प्रूफ कर दिया तो इस तरह से होना है क्वेश्चन जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे फर्स्ट पार्ट में तीनों चीज लेके तो बाय सी पी सी टी सेकेंड पार्ट आ जाएगा ऐसे ही थर्ड पार्ट के लिए हम इन ट्राइंगल्स को कांग्रेट प्रूफ करेंगे uh, इन वाले ट्राइंगल्स को कांग्रेट प्रूफ करेंगे थर्ड पार्ट के लिए तो बाय सी पी सी टी भी हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर हो जाएगी ए uh, क्यू किस कॉल हो जाएगी सी पी के फोर्थ पार्ट आ जाएगा उससे तो यही करना है इस क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन क्या है देखते हैं ए बी सी डी इज अ पेरेलोग्राम ए बी सी डी एक पेरेलोग्राम है एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम फॉर्म ए एंड सी ऑन डाइगनल बी डी तो क्वेश्चन uh, में फिगर गिवन है ऑलरेडी बट ए बी सी डी एक पेरेलोग्राम गिवन है यहाँ पर एंड ए uh, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं इसके डायगनल बी डी पर तो देखते हैं इसका फिगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में तो फिगर में आपको ऑलरेडी क्लियर है कि ये पैलोग्राम है ए बी सी डी जिससे कि जिसमें ए एंड सी से परपेंडिकुलर डाले गए हैं इसके ड्राइंगल बी डी पर डैट मीन्स ए पी परपेंडिकुलर है बी डी पर एंड सी क्यू इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी डी तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं हमें फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं तो ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं उनको लेते हैं एक बार कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं हमें ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट करना है सी पी सी क्यू डी के ए पी बी कौन सा है ट्रायंगल ए पी बी ए पी बी मतलब ये वाला ट्रायंगल हमें इस ट्रायंगल को लेना है इस ट्रायंगल को कांग्रेन प्रूफ करना है किसके साथ इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए पी बी कौन सा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे तो हमें क्या क्या इक्वल गिवन है वो देखते हैं वैसे अपोजिट साइड इक्वल है ए बी इक्वल है किसके सी डी के ए बी इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम तो क्लियरली पता चल रहा है ए हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल है किसके ए बी इक्वल है सी डी के अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने सेकेंड पॉइंट पर लिख रखा है यहाँ पर और एंगल इक्वल है नाइनटी के ए पी भी इक्वल है सी क्यू डी के नाइन्टी डिग्री तो यहाँ पर आप फर्स्ट पे लिखें या सेकंड पॉइंट पे लिखें फिलहाल इसमें एंगल ए पी बी जो नाइन्टी है एंड सी क्यू डी नाइन्टी है तो ए पी बी इक्वल है किसके ए पी बी इक्वल है सी क्यू डी के सी क्यू डी के नाइन्टी डिग्री ऐसे ही ए बी इक्वल है किसके सी डी के अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड नेक्स्ट वन इज़ अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ए बी पी इक्वल हो जाएगा किसके uh, एंगल सी डी सी डी बीके तो इससे हमारे तीन हमने चीज ली है uh, दो एंगल लिए है और आगे वाली साइड ली है दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है साइड दो एंगल के आगे आ रही है तो इसको हम डबल ए एस से कॉन्ग्रेट प्रूफ कर देंगे आराम से तो बाय ए ए एस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे तो एक बार देख लीजिए आपने क्या क्या लिया है इसमें आपने 90 का एंगल लिया है ए पी बी इक्वल है सी क्यू डी के 90 डिग्री सेकेंड इज ए पी इक्वल सी डी अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम एंड थर्ड वन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए क्योंकि लाइन पैरल है अपोजिट लाइन अपोजिट साइड क्या है ये पैरल है अपोजिट साइड पैरल है तो एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा सी डी सी डी बी के तो इससे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए बाई सी पी सी टी सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा इसकी ए पी और सी क्यू इक्वल हो जाएगी बाय सी पी सी टी इस ट्राइंगल में ए पी इसकी ए पी इक्वल हो जाएगी इस ट्राइंगल की सी क्यू के बाय सी पी सी टी तो इससे हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन यहाँ पर इलेवन क्वेश्चन में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें गिवन है फिगर गिवन है और क्या क्या गिवन है देख लेते हैं इसमें ए बी और डी ई ए बी इक्वल है डी ई के एंड ए बी पैरेलल है डी ई के है ना ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ गिवन है जिसमें ए बी इक्वल है डी ई के एंड ए बी पैरेलल है डी ई के नेक्स्ट बी सी इक्वल है ई एफ के एंड बी सी पैरेलल है ई एफ के तो वट इज ए बी सी आर ज्वाइंट टू वट डी ई एफ शो इन फिगर शो so दैट आपको शो करना है फर्स्टली एबीईडी -E को एक पेरलोग्राम प्रूफ करना है पेरोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें आ, क्या जरूरत होती है प्रूफ करने की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल इन पैरल देन क्वारेटल पेरोग्राम हो जाता है कोई क्वारिलेटर पेलोग्राम का प्रूफ हो सकता है जब उसका एक साइड का अपोजिट अपोजिट साइड का कोई एक पेयर इक्वल और पैरल प्रूफ कर देते हैं एक पेयर को इक्वल और पैरल प्रूफ कर देते हैं तो वो पैरोग्राम प्रूफ हो जाता है कॉर्डिलेटर तो हमें सबसे पहले ए बी ई डी को पैरोग्राम शो करना है अगर ए बी ई डी को पैरोग्राम शो करना है तो ए बी ई डी में देखते हैं ये रहा ए बी ई डी ए बी डी में आप देखिए क्लियरली आपको पता है ए बी इक्वल है डी ई के ए बी इक्वल है किसके डी ई के तो इसमें देखेंगे यदि आप तो ये ए बी ई डी है ए बी ई डी क्वारिलेटल है जिसमें आपको ए बी और डीई इक्वल ऑलरेडी है एंड ए बी पैरल है डीई e के ये, भी है, ये इसके पैरल है ए बी पैरल टू डी तो वन पे बी अलोग्राम यहाँ पर यह लिखेंगे अपोजिट uh, साइड uh, का एक पेयर इक्वल एंड पैरल है इक्वल एंड पैरल है तो ए बी इज अ पैरलोग्राम ए बी इक्वल है डीई के एंड ए बी पैरल है डीई के e, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरल सो ए बी डी इज अ पैरलोग्राम सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही शो करेंगे हमें बी ई एफ सी को पैरलोग्राम दिखाना है uh, तो बी ई एफ सी के लिए भी ऑलरेडी गिवन है बी ई एफ सी ये वाला है बी ई एफ सी के लिए भी ऑलरेडी क्या गिवन है हमें पर? Uh, यहाँ पर यहाँ पर बी सी हाँ ये बी ई एफ सी इस तरह से है जैसे तो यहाँ पर बी सी बी ई एफ सी ओके okay, यहाँ पर ऑलरेडी क्या गिवन है बी सी इक्वल है किसके ई एफ के बीसी इक्वल है ई एफ के अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल हो गया एंड पैरेलल भी है बीसी पैरेलल है किसके ई एफ के तो बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरल टू ई एफ वन पेयर अपोजिट इक्वल एंड पैरेलल सो इट विल आल्सो बी अलग्राम तो बीसी इक्वल है ई एफ के एंड बी सी क्या है पैरेलल पैरल भी है ई के ऑलरेडी गिवन है तो ये बी सी भी क्या हो जाएगा एक पैलेलोग्राम हो जाएगा ओके okay? तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसको पार्ल, इनको पैरोग्राम शो किया है पैरोग्राम शो किया है एक पेयर इक्वल और अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरल प्रूफ पैरल शो करके जो कि ऑलरेडी गिवन था अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमने ए बी ई डी को पैललोग्राम शो किया है किसको ए बी ई डी को तो ए बी ई डी में अगर देखें तो ए बी और डी अपोजिट साइड थी वो तो इक्वल और पैरल गिवन e तो थी ए बी और डी तो और इक्वल गिवन थी ऑलरेडी यहाँ पर तो दूसरा पेर, जब ये पैलो प्रूफ हुआ तो साथ में हम ये भी लिख देंगे यही ये पेलो प्रूफ हो गया है हमारा ए बी और डी ई e ये पैरल गिवन uh, थी इक्वल और पैरल गिवन थी तो दूसरा पेयर भी इक्वल और पैरल हो जाएगा क्योंकि पैलो में दोनों पेयर इक्वल और पैरल होते हैं अपोजिट साइड के तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर Uh, दूसरा पेयर क्या है यहाँ पर ए डी एंड ए डी एंड बी ए डी एंड बी ई हो जाएगा ए डी इक्वल हो जाएगा बी ई के एंड ए डी पैरल हो जाएगा किसके बी ई के ओके एंड नेक्स्ट हम क्या लेते हैं uh, हमने मैं ये लिया था बी ई एफ सी एक पैरलोग्राम लिया लिया था बी ई एफ सी एक पैरल था तो हमने सी बी सी को ई एफ के साथ लिया था यहाँ पर बी सी को किसके साथ लिया था ई एफ के साथ बी सी और ई एफ अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरल है बी सी और ई एफ बी सी और ई एफ ये एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरल था तो दूसरा पेयर भी इक्वल और पैरल होगा दूसरा पेयर क्या है यहाँ पर यहाँ पर दूसरा पेयर है सी एफ एंड बीई तो सी एफ और बीई भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल और पैरल होंगे तो सी एफ इक्वल भी होगा सी एफ पैरल होगा बीई के क्योंकि ये पैरल ग्राम है तो दूसरा पेयर भी इक्वल और पैरल होगा तो यूजिंग इक्वेशन यहाँ पर वन डाल देंगे और यहाँ पर टू डाल देंगे इस इक्वेशन पर टू डाल देंगे तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखिए बीई आर एच एस में सेम है आर एच एस इक्वल है आर एच एस में क्या है यहाँ पर बीई आर एच एस इक्वल है बीई तो एल एच एस क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी एल एच एस में क्या है ए डी एंड सी एफ ए डी यहाँ पर ए डी इक्वल होगा सी एफ के एंड ए डी पैरल होगा सी एफ के ए डी इक्वल होगा सी एफ के एंड ए डी पैरल होगा सी एफ के तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए डी ए डी यहाँ पर इक्वल है एंड सी एफ के और पैरल भी है तो ए डी इक्वल और पैलल है सी एफ के तो इस पैरल इसको हम पैलोग्राम शो कर सकते हैं यहाँ पर अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरल शो कर दिया है हमने किसके लिए ए सी डी एफ के लिए तो ए सी डी एफ हम इस तरह से पैलोग्राम प्रूफ कर देंगे जो कि हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करना था थर्ड पार्ट में हमारा ए सी डी एफ भी पैरलोग्राम शो हो जाएगा जिससे कि ए सी और डी एफ अदर पेयर भी इक्वल आ जाएंगे फोर्थ पार्ट आ जाएगा ए सी इक्वल हो जाएगी डी एफ के अदर साइड अदर साइड भी इक्वल और पैल प्रूफ हो जाएंगी हमने यहाँ पर ए डी और सी एफ को पैलल और इक्वल दिखाया था फर्स्ट और सेकेंड पार्ट से तो और पैललोग्राम दिखा दिया था ए सी डी एफ को ये ए सी डी एफ पैललोग्राम हो गया था तो इसके बाकी का पेयर क्या है ए सी एंड डी एफ ए सी और डी एफ भी इक्वल और पैलेट प्रूफ हो जाएंगे तो इस तरह से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए पर इसी तरह से किया गया है इसको अगर आप नोटिस करें इसमें भी यही किया गया है ए डी और सी एफ इक्वल और पैलेट प्रूफ करी थी हमने किस पार्ट से फर्स्ट और सेकेंड पार्ट से यहाँ पर देख लीजिए बीई सेम था बीई सेम था वो कैंसिल हो गया यहाँ पर बी ई सेम था कैंसिल हो गया तो हमारा ए डी सी एफ क्या हो गया पैरोग्राम हो गया था हाँ ए डी सी एफ पैरोग्राम हो गया था तो ए डी सी एफ के इक्वल है और पैरेलल है तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ए डी ए डी को किसके साथ लिया था सी एफ के साथ ए डी सी एफ के इक्वल और पैरेलल प्रूफ हो गई थी तो ये पैरोग्राम शो हो गया था और हमने फोर्थ पार्ट में इसको बाकी की साइड इक्वल कर दी थी एडीसीएफ के अलावा हमारे पास क्या बस्ती है इसमें एडी और सी एफ के अलावा हमारे पास बस्ती है कौन सी साइड ए सी एंड डी एफ तो अगर ये ए सी डी एफ पैलोग्राम प्रूफ हो गया था तो ए सी डी एफ के इक्वल और पैलर भी प्रूफ हो जाएगी क्योंकि अदर पेयर भी इक्वल और पैलर प्रूफ हो जाते हैं अगर ये पेलोग्राम शो हो जाता है तो हमें नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट प्रूफ करना है उस पर आते हैं फिर देख लीजिए इसमें हमें इनको कॉन्ग्रेन प्रूफ करना है कौन से ट्रैंगल्स लेने हैं ट्राइंगल ट्राएंगल ए बी सी फिफ्थ पार्ट ट्राएंगल ए बी सी एंड ट्राएंगल डी ई एफ e, ए बी सी को डी ई एफ के कॉन्ग्रेन प्रूफ करना है बहुत ईजीली हो जाएगा तो देखते हैं ए बी सी एंड डी ई एफ हमने पैरोग्राम प्रूफ किया था तो अपोजिट साइड तो इक्वल प्रूफ कर ही थी तो आराम से हो जाएगा ये इसमें तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल लेते हैं एंड ट्राइंगल डी ई e, एफ ये वाला ट्राइंगल लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कांग्रेंट प्रूफ करना है बहुत ईजीली प्रूफ हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो हमने बाकी के पार्ट्स का यूज़ करेंगे इसमें ए बी इक्वल है हमारे पास किसके डी ई e के जो हमने ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास ऐसे ही हमने क्या बी सी और बी सी किसके थी ई एफ के बी सी ई एफ की एक थी ऑलरेडी गिवन हमारे पास एंड हमने जब ए सी डी एफ को पैरलोग्राम दिखाया था तो इसमें ए सी और डी एफ को भी इक्वल और पैलर प्रूफ लिख दिया था कि जब ये ए सी डी एफ पैलोग्राम है तो ए सी और डी एफ भी इक्वल और पैलर होंगी तो ए सी और डी एफ भी हमने क्या दिखाई थी ये इक्वल प्रूफ करी थी ए सी और डी एफ तीनों साइड्स इक्वल ट्राइंगल की तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बहुत ईजिली है एस 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 से ट्रिपल एस क्राइटेरियन ऑफ कांग्रेस से ये क्या हो गया कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो बाय यूजिंग ट्रिपल एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंसी हम इसको आ, क्या प्रूफ कर सकते हैं कांग्रेट प्रूफ कर सकते हैं तो वही लिया है साइड 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 दो साइड जो ऑलरेडी गिवन थी ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में और थर्ड वाला हमने यहाँ से लिया है ए सी और डी एफ थर्ड वाला क्या यहाँ से लिया है ए सी इक्वल है इक किसके डी एफ के तो थर्ड हमने अभी फोर्थ पार्ट में प्रूफ कर दिया था थर्ड पॉइंट के लिए तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई एक तरह से ए सी और डी एफ लिए तीनों साइड्स इक्वल तो क्या हो गए यहाँ पर जिसमें ए बी पैरेलल है किसके सी डी के तो एडीक्ल दे रखी है बी सी के साथ में यहाँ पर शो करना है हमें चार पार्ट शो करने हैं एंगल इक्वल टू बी एंगल सी इक्वल टू डी ए बी सी और बी ए डी को कॉन्ग्रेन प्रूफ करना है एंड एंगल ए सी और बी डी को इक्वल प्रूफ करना है चारों पार्ट्स करने हैं प्रूफ तो हम पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सोचते हैं और बी एंगल हमें इक्वल प्रूफ करने हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाया है ना ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाया और सी से एक लाइन पैर ड्रॉ रहा यहाँ पर हिंट दे रखी है लेकिन uh, हिंट एग्जाम में नहीं आती है तो अस एक्सटेंड ए बी ए बी को एक्सटेंड किया है हमने आगे बढ़ाया है ए बी को ए बी को हमने एक्सटेंड किया आगे एंड सी से एक लाइन पैरेलल ड्रा की गई है सी से एक लाइन ड्रा करी है ए बी के ई e तक मिलती है वो ए बी को ए बी को जो एक्सटेंड किया है ए बी को जो हमने आगे बढ़ाया है और सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है तो यहाँ इसको ई e पर मिलती है ये ओके okay. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक पैलोग्राम बन गया है क्योंकि ये ये पैरेलल ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में और यहाँ पर ये हमने कंस्ट्रक्शन से ये पैरेलल ड्रॉ करी है तो ये एक तरह से क्या बन गया अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये पैलेलोग्राम बन गया है ए बी सी ई ए बी सी इज अ पैललोग्राम तो ए बी ए बी सी ए बी ए डी सी ई ए डी सी ए सी डी ए सी डी इज अ पैललोग्राम क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं एक तरह से तो हम इसमें ई सी डी अगर ये पैललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं इक्वल होती हैं तो हम ये लिखेंगे ए बी ए डी इक्वल होगा सी ई के अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे ए डी इक्वल होगा किसके ए डी इक्वल होगा किसके ई के e, तो हमने लिख दिया ए डी इक्वल टू सी ई अपोजिट साइड ऑफ पेलरोग्राम साथ में हमें एडी इक्वल टू बी सी ये ऑलरेडी गिवन वन है एडी किसके इक्वल गिवन है ये बी सी के इक्वल गिवन है यहाँ पर हमने लिख दिया तो फर्स्ट और सेकेंड अगर हम इस इक्वेशन को वन नाम दें और इसको सेकेंड नाम दें तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखिए यहाँ पर ए डी सेम है दोनों में एल एच एस सेम है एडी एल एच एस इक्वल है एडी तो एल एच एस इक्वल हो जाएंगी सीई इक्वल हो जाएगा बी सी के ओके तो यहाँ पर ए डी और बी सी इक्वल जो हमने लिखा है सेकेंड इक्वेशन जो हमने बनाई है एडी इक्वल टू बी सी देख लीजिए ये के वन है ऑलरेडी तो ए डी इक्वल टू बी सी ऑलरेडी ये गिवन है तो ए डी इक्वल है किसके बी सी के ये ऑलरेडी गिवन है तो हमने सेकेंड इक्वेशन यहाँ से लिया है तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर ए डी हमने क्या लिया था ए डी इक्वल टू ई सी लिया था जो कि अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम थी ए डी इक्वल टू ई सी अपोजिट साइड ऑफ पेलोलोग्राम एंड ए डी इक्वल किसके है बी सी के तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन नाम दे रहे हैं इसको तो इन दोनों इक्वेशन से ए डी कैंसिल हो गया एल एच एस सेम है आर एच एस विल बी इक्वल इफ एल एच एस आर इक्वलो भी इक्वल तो ई सी एंड बी सी इक्वल हो जाएगा तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड ई सी इक्वल हो जाएगा किसके बी सी के तो ई सी एंड बी सी ये दोनों इक्वल हो गए ई सी इक्वल है किसके बी सी के ई सी बी सी के इक्वल हो गया अगर इस ट्राइंगल में नोटिस करें इन ट्राइंगल बी सी ई अगर इस ट्रैंगल बी सी में देखें तो अपोजिट साइड्स इक्वल है ई सी और बी सी इक्वल तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके एंगल ई के कह सकते हैं ये वाला एंगल बी तो इस तरह से इसको आगे करते हैं हम क्वेश्चन को क्वेश्चन को सॉल्व तो अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल कर दिए हैं एंगल सी ई बी एंगल सी बी ई के इक्वल हो जाएगा आ, तो देखते हैं इसमें एंगल सी ई बी एंगल सी ई बी ये वाला है एंगल सी बी ई ये वाला है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल आ गई थी अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल हो इं� गए सी बी ई सी ई बी के इक्वल हो गया तो हमने सी इन दोनों को एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया है साथ में एक चीज़ और करते हैं हम क्या कर सकते हैं ए प्लस ई ए और ई e का सम कितना होगा वन एट्टी होगा और सेम साइड ऑफ ट्रांसफर्सल बने हैं तो हमने ऐसा लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल आ, ये वाला सी ई बी इक्वल टू कितना होगा वन एट्टी डिग्री क्योंकि ये पैरोग्राम है और लाइन पैरल हैं तो सेम साइड ऑफ ट्रांसफर्सल जो एंगल बनते हैं ये वन एट्टी होते हैं इसी तरह से ये बी बी पर दो एंगल बन रहे हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं बी पर एक इस साइड बन रहा है एंगल जो अंदर बन रहा है इसको हम बी लिखते हैं ए बी सी लिख दें या इसको बी लिख देते हैं सिंपली यहाँ पर बी जो एंगल अकेला बी जो आ रहा है एंगल वो अंदर वाले एंगल के लिए आ रहा है किसके लिए इस वाले एंगल के लिए जो अंदर बना हुआ है बी इस पर ट्रिपेजियम के लिए जो एंगल बी है उसकी बात कर रहे हैं ये वाला बी और बाहर वाला कौन सा बी है बाहर जो है वो सी बी ई है सी बी ई इनका सम कितना होगा वन एट्टी डिग्री लीनियर पेयर बना रहे हैं ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर तो लीनियर पेयर के एंगल का सम वन एट्टी होता है फॉर्म uh, इन दोनों इक्वेशन से अगर आप नोटिस करें तो सेम आर एच एस सेम है वन एट्टी डिग्री तो एल एच एस सेम कर देंगे तो एल एच एस ये क्या है ए ए और सी ई बी ए और सी ई बी है और यहाँ पर क्या है बी और सी बी ई सी बी ई बी और सी बी ई हमें पता है अभी हमने सी बी ई और सी ई बी को इक्वल प्रूफ किया है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ए और बी इक्वल आ जाएगा अभी हमने प्रूफ किया था सी ई बी सी बी ई के इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे इससे हमारा ए हाँ, और बी इक्वल आ जाएंगे तो हमें यही करना है तो यहाँ पर सी बी ई एंड सी ई बी कैंसिल हो जाएंगे इक्वल हैं तो हमारा ए एंगल ए इक्वल हो जाएगा किसके एंगल बी के तो एंगल ए और बी को इक्वल कर देंगे या सी ई बी के जगह पहले सी बी ई लिख सकते हैं यहाँ पर है ना आ, अगर हम यहाँ पर ये यह लिखें आ, कि ये पैलोल ग्राम है इसके एक साइड बने एंगल का सम कितना होगा वन एट्टी डिग्री होगा तो ए एंगल ए प्लस एंगल सीई बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री यहां पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सीई इक्वल टू वन एट्टी डिग्री बिकॉज दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसपर्सन तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए प्लस सीई बी इक्वल टू कितना वन एट्टी डिग्री यहाँ पर लिख दिया सीई बी e, को क्या पुट करेंगे यहाँ पर सी बी ई पुट कर दिया है सीई बी e, की जगह सी बी ई पुट कर दिया है तो ये इक्वेशन थर्ड नाम दे सकते हैं बस सेकेंड ऊपर से हो गया था तो इस वाले इक्वेशन से एंड uh, दूसरी इक्वेशन लीनियर पेयर से लेंगे लीनियर पेयर से क्या लेंगे हम आ, ये बी पर दोनों एंगल बन रहे हैं इसके लिए हम लेंगे लिखेंगे एंगल बी ए बी सी लिखें या एंगल बी लिखें यहाँ पर एंगल बी की बात हो रही है तो यहाँ पर ए बी सी की बात हो रही है अगर यहाँ पर एंगल बी एंगल बी जो अकेला दिया हुआ है वहाँ पर ए बी सी है ए बी सी लिखे या बी लिखें लिखे, बात एक ही है यहाँ पर और यहाँ इस वाले बी के लिए लिखा है ये वाला सी बी ई तो एंगल बी प्लस सी बी ई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ए बी सी लिखे या बी लिखे तो एंगल बी प्लस एंगल सी बी ईक्वल टू कितना होगा वन एट्टी डिग्री लीनियर पेयर से okay. तो लीनियर पेयर से हम ये लिख देंगे वन एट्टी डिग्री तो इक्वेशन वन एंड टू यहाँ पर वन और टू नाम दिया है तो इक्वेशन एल एच एस आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल करेंगे uh, LH, है, तो एल एच एस इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशन से तो ए प्लस सी बी ई ए प्लस सी बी ई इक्वल हो जाएगा किसके एंगल बी प्लस बी प्लस एंगल सी बी ई ओके तो सी बी ई से सी बी ई कैंसिल हो जाएगा हमारा ए एंड बी इक्वल आ जाएगा एंगल एंगल ए इक्वल टू हो गया एंगल बी के ओके फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के ओके सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट के लिए हम यहीं ड्रॉ कर लेते हैं ट्रिपीजियम तो देखते हैं हमारे पास ट्रेपीजियम था आ, ट्रेपीजियम हमारे पास ए बी सी डी था जिसमें कि यहाँ पर ई e तक एक्सटेंड किया गया था ये आ, तो हमें यहाँ पर सी और डी इक्वल दिखाने हैं ए और बी इक्वल दिखा दिए हैं सी और डी कैसे दिखाएंगे एक बार देखते हैं तो यहाँ पर ए और डी का सम भी वन होगा क्योंकि ये भी सेम साइड ऑफ ट्रांसफर्सल बने हैं अपोजिट साइड पैरल है ए बी पैरल है किसके सी डी के तो ए और डी का सम वन एटी होगा सेम साइड ऑफ ट्रांसफर्सन ऐसे ही हम लिखेंगे सी और बी सी और बी का सम भी कितना होगा वन एट्टी डिग्री होगा ए और बी का ए और डी का सम वन एट्टी था ऐसे ही बी और सी का सम भी कितना होगा वन एट्टी डिग्री तो ये दो लाइन हमने लिख ली तो हम आर एच एस इक्वल देखते हैं तो एल एच एस इक्वल कर देंगे तो एल एच एस इक्वल करेंगे तो ए प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी प्लस बी के आ, यहाँ पर ए और सी ए और बी क्या थे इक्वल फर्स्ट पार्ट में अभी हमने क्या प्रूव किया था एंगल ए एंड बी आर इक्वल तो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था एंगल ए और इक्वल है बी के एंगल ए इक्वल है किसके बी के तो ये कैंसिल हो जाएंगे सी और डी इक्वल आ जाएगा इससे हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा ओके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं ए बी सी एंड बी ए डी को क्या करना है हमें कॉन्ग्रेन प्रूफ करना है इसके लिए हमें डायग्नोस डायग्नोस मीट कराने पड़ेंगे ट्रिपीजियम था ए बी सी डी जिसमें हमें डाइंगनल मीट कराने पड़ेंगे तब ये पार्ट प्रूफ हो पाएगा तो हम यहाँ पर ए सी एंड बी डी ट्राइंगल ड्रा करते हैं तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी देखते हैं ट्रा ए बी सी विजिबल है ये वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं और ट्राइंगल ए बी सी को किसके साथ लेना है बी ए डी के साथ एंड ट्राइंगल बी ए डी लेते हैं तो ए बी तो दोनों में कॉमन है सेम बेस तो हमें यहाँ पर क्या क्या इक्वल गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन बेस है यहाँ पर ए बी इक्वल है किसके बी ए के सेम सेम बेस कॉमन है मतलब ए बी और बी ए कॉमन है एंड यहाँ पर ये यह लिखेंगे बी सी एंड ए डी इक्वल है यहाँ पर अभी हमने गिवन था जो हमें बी सी एंड ए डी और ऑल्सो इक्वल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन बी सी इक्वल है किसके ए डी के ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में और एंगल ए एंड बी हमने फर्स्ट पार्ट में इक्वल प्रूफ करे हैं तो इसका एंगल ए इसके डी बी के इक्वल होगा डेट मीन्स ए बी सी का एंगल बी एंग ए बी सी ट्राइंगल में एंगल बी ए बी सी मतलब फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एंगल बी इक्वल होगा सेकेंड वाले ट्राइंगल के एंगल ए के तो ए बी सी में एंगल बी इक्वल है इसके ए बी डी के बी ए डी के ए के तो एंगल बी और ए इक्वल है तो तीनों चीज तीन, तीन चीज़ें हमारे पास क्या हो गई दो साइड्स ली हैं और एक एंगल लिया है एंगल हमने कौन सा लिया है बीच वाला तो दो साइड्स दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल दो साइड्स ली और उनके बीच वाला एंगल लिया और यहाँ पर भी क्या ली है टू साइड्स ली हैं और उनके बीच वाला एंगल लिया है कॉन्वेंट हो गया बाय एस एस तो सी पी सी टी से ये हम लिख देंगे इसमें ए सी एंड इक्वल है बी टी के तो सी पी सी टी से डाइंगनल्स इक्वल हो जाएंगे इसके डाइगनल ए सी इक्वल हो जाएगा किसके ट्रिपीजियम में डाइंगनल ए सी एंड बी डी हो जाएंगे ट्रिपीजम के केस में ओके okay. तो इस तरह से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है एक्सरसाइज एट पॉइंट वन का